बहुत हो गए। गेमिंग लैपटॉप्स आज लाए हैं, स्लिम, अल्ट्रा थिन, लाइट और पतला और बहुत ही हल्का लैपटॉप। तो आज हमारे पास HP Pavilion 14, ये जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 26th या 27th फरवरी को, और हम आपके लिए ले आए हैं गेमिंग लैपटॉप की बहुत बात होगी क्योंकि करंट जनरेशन के सारे बजट गेमिंग लैपटॉप हम कवर कर चुके हैं। बाकी जिनको थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए आप बिल्कुल सही जगह है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर। तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया लैपटॉप स्टोर देहरादून, तो जो भी उत्तराखंड और देहरादून के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली पता होगा कंप्यूटर और लैपटॉप मार्केट है कैपरी ट्रेड सेंटर, वहां पे भी एक बेस्ट शॉप अगर लैपटॉप परचेज करना है आपको तो उसका नाम है लैपटॉप स्टोर। यहाँ पे सारी वैरायटी आपको लैपटॉप्स की देखने के जाती है, फिर चाहे गेमिंग लैपटॉप्स हो या बेसिक लैपटॉप्स हो, थिन एंड लाइट हो, कन्वर्टेबल हो या कोई भी लैपटॉप अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, सारी वैरायटी आप फिजिकली चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको EMI की फैसिलिटी भी देखने के मिलती है। तो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो आप चेकआउट कर लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लैपटॉप के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये 14 इंच वाला HP Pavilion 14 है, इसके अंदर एक 15 इंच भी आता है, 15.6 इंचेस, वो भी आपको देखने मिलता है, सेम स्पेसिफिकेशन सब कुछ, बस ये 14 है वो 15.6 है। तो करते हैं अनबॉक्स, तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इसका मॉडल है HP Pavilion लैपटॉप 14 DV0053TU और यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये Amazon पे जो सभी लिस्ट हुआ है, बेस्ट बाय लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केट के प्रोडक्ट में और ऑनलाइन मार्केट के प्रोडक्ट में मॉडल का डिफरेंस होता है, बाकी स्पेसिफिकेशन सेम होती है, लैपटॉप सेम होता है, वो लिस्टिंग अलग अलग होती है। तो खोल लिया जाए डब्बा, फिर एक पावर कॉर्ड, एक 65 वॉट का पावर अडाप्टर और ऑनलाइन मेंशन है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो हम चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं। फिर वही अंडे की ट्रे वाली पैकिंग में हमारा लैपटॉप और थोड़ा बहुत पेपर वर्क, तो सब कुछ रखते हैं साइड में, हमें लैपटॉप से मतलब है, तो कुछ ऐसी पैकिंग में लैपटॉप देखने के लिए मिलता है आपको। भाई भाई सच में बहुत लाइट वेट है और बिल्कुल नोटबुक जैसा लैपटॉप है, आप एक नोटबुक कैरी करते हो अपने स्कूल कॉलेज वाली, बिल्कुल वैसा लैपटॉप है। और 14 इंचेस भाई कितना प्यारा लग रहा है, मैं पहली बार 14 इंचेस लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने देखा नहीं है, मैंने और लोगों के पास देखे, बट इतना क्लोजली पकड़ के देखना और अब हम इसको यूज भी करेंगे। और हाँ, अगर हम गेमिंग लैपटॉप रिव्यू करते हैं तो हम इसमें भी गेम खेल के देखेंगे क्योंकि इसके अंदर i5 11 जनरेशन प्रोसेसर है, इंटेल XE ग्राफिक्स के साथ है, तो हम वो टेस्ट करेंगे कि इंटेल XE ग्राफिक्स कितने कैपेबल है। अगर आप थिन एंड लाइट लैपटॉप लेते हो, अगर आप छोटी मोटी गेम खेलने का मन करता है तो आप कैसी गेम्स आप इसमें खेल सकते हो। अब जब आपको प्रोसेसर बताई दिया तो पूरी स्पेसिफिकेशन सुन लो। i5 11 जनरेशन प्रोसेसर, 16GB रैम, इंटेल XE इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, IPS 1080p फुल HD डिस्प्ले, और इसके अंदर एक और वेरिएंट भी है i7 11 जनरेशन के साथ, वो भी लिस्ट नहीं हुआ है Amazon पे, बट वो कमिंग सून दिखा रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। भाई साहब सुंदरता देख रहे हो लैपटॉप, मतलब इतनी प्यारी लुक। हमारे पास जो कलर है वो व्हाइट कलर अवेलेबल है और भाई सिर्फ 1.4 kg जिसका वेट है और बहुत हल्का है यार, आप एक हाथ से आराम से इसको उठा सकते हो, बहुत ही लाइट वेट है। अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, कॉलेज के लिए आप लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये बहुत बढ़िया है। तो ऊपर से कुछ ऐसी व्हाइट फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है, इधर यहाँ पे HP की ब्रांडिंग है, बहुत मिनिमलिस्टिक सा लुक है, पीछे से भी इसके यहाँ पे एयर एग्जॉस्ट देखने के मिलता है, विंडोज का स्टिकर है और ऊपर रबर ग्रिप है और नीचे भी रबर ग्रिप है और लेफ्ट और राइट साइड में आपके स्पीकर ग्रिल है। और अगर पीछे से देखते हैं तो यहाँ भी आपको Pavilion लिखा हुआ दिखता है। यार मैं ना थोड़ा सा टेक्सचर पहचानने में कच्चा हूं, ये प्लास्टिक भी लग रहा मुझे और जैसा ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि पीछे से इतना ठंडा नहीं है ये जितना ऊपर से है, तो थोड़ी सी मेटल वाली फीलिंग भी आ रही है। ये है प्लास्टिक बट मेटल फिनिश है, पता नहीं क्या है यार ये, क्योंकि अभी ना इसका कुछ ऐसा ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा मैंने कौन सा बिल्ड है, क्या है क्या नहीं है। तो लिड ओपन करने के बाद कुछ ऐसा लैपटॉप दिखाई देता है आपको, तो इसके अंदर आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये 14 इंचेस लैपटॉप है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, काफी अच्छा ट्रैक पैड साइज है और डिस्प्ले के नीचे आपको HP की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। एक आपका इसके अंदर वेबकैम भी अवेलेबल है और नीचे ट्रैक पैड एरिया में Pavilion की ब्रांडिंग है और यहाँ पे कोर i5 आइरिस XE ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट। तो इसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट है वो फ्री फॉर लाइफ टाइम है, तभी मैं कह रहा था ऑफिस वर्क के लिए और स्टूडेंट के लिए बेस्ट लैपटॉप, लाइफ टाइम के लिए आपको MS ऑफिस इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, इसके अंदर 1080p का फुल HD पैनल है जिसका 84% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, मतलब बेजल्स जो है इसके काफी कम है साइड से, जिसकी वजह से इसकी लुक बहुत प्यारी लगती है। और जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है इसका वही 60Hz का रिफ्रेश रेट है। तो इसको बूट कर लेते हैं, देखते हैं कितने मिनट का इसका बूट टाइम है क्योंकि इसके अंदर 512GB की SSD है और मिनट क्यों सेकंड्स में बूट हो जाएगा ये। तो ये हमने प्रेस किया बटन, दोस्तों ये तो 5-7 सेकंड में ही ऑन हो गया। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिलता है, मैंने इसके अंदर अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया है, तो मैं फिंगरप्रिंट की स्पीड दिखाता हूं आपको। ये जस्ट हमने लगाया और ये ऑन हो गया, एक बार फिर से दिखा देता हूं, ये हमने फिंगरप्रिंट लगाया और ये ओपन हो गया। तो जो फिंगरप्रिंट का सक्सेस रेट है मेरे हिसाब से वो 90% है, कभी कभी मिस हो जाता है वरना हमेशा खुल जाता है और विद इन सेकंड्स, जैसे स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट खुल जाते हैं विद इन सेकंड्स खुल जाता है ये। इसके अंदर आपको सिंगल कलर बैकलिट कीबोर्ड देखने मिलता है जिसकी व्हाइट कलर की लाइट है और वही 720p का बेसिक वेबकैम और फास्ट चार्जिंग में आपको बात बता रहा था, इसको मैंने 20% पे चार्जिंग पे लगाया था
और 15-20 मिनट में 20-60% हो गया था। तो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है और वैसे भी 60% से ऊपर जो लैपटॉप चार्ज होता है थोड़ा स्लो होता है, तो ऐसा मत कहना कि हमारा तो नहीं हो रहा था 20 मिनट में 40% चार्ज, तो ऐसा नहीं होगा। अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चार्जिंग स्पीड होती है। और डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी जो है इसके अंदर 45% की NTSC है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, जो हर किसी एवरेज लैपटॉप में आपको देखने के लिए मिलती है। और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो इंटेल का i5 प्रोसेसर है वो है कोर i5 11 35G7, जिसकी बेस क्लॉक है 2.4 GHz और बूस्ट क्लॉक है 4.2 GHz। तो प्रोसेसर के मामले में भाई बहुत बढ़िया लैपटॉप, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो मुझे अच्छी लग रही है। अब आगे टेस्टिंग भी करेंगे, और जैसे आपको पता है इंटेल अब 10 नैनोमीटर पे आ चुका है, पहले ये 14 था 9th और 10th जनरेशन तक, अब ये 10 नैनोमीटर पे आ चुका है, तो टेम्परेचर्स भी आपको थोड़े कम देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा इंटेल। वायरलेस कनेक्टिविटी वही वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5, और इसके अंदर बिल्ट इन एलेक्सा भी है, तो एलेक्सा से थोड़ा सा मजे ले लीजिए। तो एलेक्सा के अंदर हमने लॉग इन कर लिया है। एलेक्सा, हु इज वेनम स्टेक? द मूवी फोकसेस ऑन टू कैरेक्टर्स, वेनम, एन एलियन सर्वाइव। एलेक्सा स्टॉप, इसने वेनम मूवी के बारे में बता दिया यार। एलेक्सा डोंट नो मी, बट ये दिन मैं एलेक्सा बोल रहा हूं फिर सुन जा रही है। एलेक्सा चुप, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एलेक्सा स्टॉप, अब आज ये दिन याद रखना है, हमें अपना असल नाम बनाना है कि पहचाने हमें, नाम नहीं लूंगा वरना फिर टड़ुंग करके जाग जाएगी। तो ये भी देख रहे हैं मिलते हैं आपके लैपटॉप में, जैसे ही नाम लेता हूँ ये फिर टड़ुंग हो जाता है, क्योंकि मेरी वॉइस रिकॉग्निशन हो चुकी है। और इसमें लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप फोन के अंदर, एलेक्सा की ऐप डाल के उसके अंदर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बहुत सारे इसको जो जितने भी कमांड्स देने होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं, एडिट हो जाते हैं, ये सब आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा, वो सब हम वीडियो में नहीं बताएंगे। अब जब थिन एंड लाइट लैपटॉप ले ही रहे हो तो बैटरी बैकअप भी बहुत मैटर करता है। इसका बैटरी बैकअप मैंने 95% से यूज करना शुरू किया था और 3.5 घंटे यूज करने के बाद ये 20% आ गया था। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी है वो 43 वॉट आवर की बैटरी है। तो थिन एंड लाइट लैपटॉप में होता है आपको HDD स्लॉट तो देखने के लिए मिलता है, तो बैटरी साइज लंबा होता है, तो इस वजह से इसका बैटरी बैकअप अच्छा है। और प्रोसेसर भी यू सीरीज वाला प्रोसेसर है, तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन भी कम है, इसलिए बैटरी बैकअप आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मैं जब इसका बैटरी बैकअप टेस्ट करा तो मैंने यूट्यूब चला रखा था 50% ब्राइटनेस में और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ थी, तो उस यूसेज के अंदर आपका ये बैकअप दे रहा था। अब पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पोर्ट्स के मामले में तो एक नंबर है लैपटॉप ये। अगर हम लेफ्ट साइड के पोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो और एक USB 3.2 का टाइप ए वाला पोर्ट। फिर राइट साइड पर अगर नजर मारते हैं तो एक पावर इनपुट पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक USB 3.2 का टाइप ए वाला पोर्ट, एक टाइप सी का 3.2 वाला पोर्ट और एक मिनी SD कार्ड स्लॉट। तो जो मैक्रो कार्ड होता है जो DSLR वगैरह में लगता है वो वाला पोर्ट तो नहीं है इसके अंदर, वो एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बाकी आप कार्ड रीडर ले सकते हो उससे काम चल जाएगा। टाइप सी जो पोर्ट है इसका, इसमें मैंने OnePlus का चार्जर यूज करके देखा था तो चार्ज नहीं हुआ लैपटॉप। पता नहीं अभी टाइप सी के थ्रू चार्जिंग सपोर्ट करता है नहीं करता है, कौन सा चार्ज करता है, बट उससे नहीं हुआ। तो ये तो होगी लैपटॉप की बातें, अब कर लेते हैं इसका टेस्ट। इसके अंदर हमने किया था Cinebench R23 टेस्ट, जिसका मल्टी कोर स्कोर था 4107 पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर था 1309 पॉइंट्स। फिर हमने इस पे टेस्ट किया फोटोशॉप। तो मेरी जो लास्ट टू लास्ट स्ट्रीम थी उसका जो थंबनेल है वो मैंने इसी पे डिजाइन किया था, तो मेरा शिवम अरोड़ा वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल्स में जाके दूसरा चैनल मिल जाएगा, वहां पे मैं लाइव स्ट्रीम करता रहता हूं। तो फोटोशॉप में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था, कोई इशू फेस नहीं किया मैंने और बिल्कुल स्मूथ एडिटिंग इसमें हो रही थी। फिर हमने प्रीमियर प्रो भी चला के देखा, इसमें प्रीमियर प्रो में भी थोड़ी बहुत एडिटिंग की, जो इसी वीडियो का गेमिंग वाला पार्ट है वो मैं इसी लैपटॉप में एडिट करके देख रहा था, जस्ट यही देखने के लिए कि कैसा एक्सपीरियंस हमारे को मिल रहा था। तो भाई प्रीमियर प्रो की एडिटिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ था, जिस बजट का ये लैपटॉप है, जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी सही चल रहा था इसके अंदर प्रीमियर प्रो। और अगर थोड़ा ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए तो आप फिल्मोरा भी यूज कर सकते हो, फिल्मोरा एक थोड़ा हल्का सॉफ्टवेयर है और सारे काम कर देता है, वो भी वीडियो एडिटिंग के। फिर थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और बाकी छोटे मोटे काम के, इंटरनेट सर्व करना, मल्टीपल टैब्स खोलना, तो उसके अंदर भी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत सही मिल रही थी, क्योंकि इसके अंदर 16GB रैम है और वो भी 3200 MHz क्लॉक स्पीड वाली, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो भाई बहुत सही था नॉर्मल यूसेज में भी। फिर मैंने सोचा इतनी टेस्टिंग चली रही है तो थोड़ा बहुत गेम भी खेल लेते हैं। PUBG PC Lite टेस्ट किया मैंने, तो जो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग आई थी वो लो और वेरी लो का मिक्सचर आया था और उस पे भी भाई बहुत सही परफॉर्म कर रहा था ये। 140 FPS के अराउंड इसके अंदर गेम प्ले आ रहा था, 140-130 के अराउंड गेम प्ले आ रहा था और बहुत बढ़िया था। वैसे 60 हर्ट्ज का पैनल है तो इतने प्रोवाइड कर रहा था FPS, बट इतने FPS पे चल नहीं रही है गेम तो मैक्सिमम 60 FPS पे चल रही है, बिकॉज 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है, तो गेम प्ले एक्सपीरियंस आपको 60 FPS वाला मिलेगा, वो जस्ट आपको FPS प्रोवाइड करा रहा है ऊपर MSI आपका बर्नर में कि हाँ इतना कैपेबल है आपका लैपटॉप। फिर वैलोरेंट चला के देखा, बाय डिफॉल्ट लो सेटिंग्स पे आ रहा था, सब कुछ लो पे था। उसके बाद हमने इसमें गेम प्ले देखा, भाई इसका भी गेम प्ले बहुत सही आ रहा था, अबव 100 FPS आपको मिल रहे थे। आई नो ये दोनों गेम्स अभी हमने टेस्ट किए वो इतने हैवी नहीं है, बट स्टिल अगर आपका मन बन जाए थिन एंड लाइट लैपटॉप लवर्स के पास, सोचो कि आप थोड़ी बहुत गेम प्ले भी कर लें, बढ़िया मन लगाने के लिए गेमिंग कर सकते हो उसमें थोड़ी बहुत आप।
फिर हमने इसमें GTA 5 भी टेस्ट कर ली। GTA 5 भी आपकी लगभग लो मीडियम सेटिंग्स पे चल रही थी और भाई GTA 5 में भी 30 plus FPS आ रहे थे, 30-35, बट 30 FPS भी प्लेबल होते हैं और उसके अकॉर्डिंग भाई सही परफॉर्मेंस दे रहा था। ओवरऑल तो सही लगा मुझे लैपटॉप, और बाकी आप गेमिंग अपने आप टेस्ट करके देख लेना अगर आप परचेज करने वाले हो तो। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। जिस प्राइस पॉइंट में आपको ये लैपटॉप देखने के लिए मिलता है विच इज अराउंड 63,000, उसके अकॉर्डिंग थिन एंड लाइट होने के बजाय इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल रही है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि GTA 5 इसके अंदर 35-40 FPS पे चल जाएगा, और प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला, मतलब कोई इशू नहीं हुआ, बढ़िया चल रहा था। देखो अगर हम बिल्कुल हाई एंड लैपटॉप जैसे मैं यूज करता हूँ, गेमिंग लैपटॉप यूज करता हूँ, उनसे कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वैसी परफॉर्मेंस तो नहीं देगा, बट ऐसा नहीं है कि आप इसमें काम नहीं कर सकते, आप इसमें सारे काम आराम से कर सकते हो। तो पर्सनली 14 इंच वाला थिन एंड लाइट लैपटॉप अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये भाई बेस्ट चॉइस है आपके लिए, क्योंकि बहुत थिन है, बहुत लाइट है, 1.4 kg है और थोड़ी बहुत गेमिंग भी कराई देगा आपको। 2015-2016 वाले से पहले वाले सारे टाइटल आप इसमें आराम से खेल सकते हो। तो अगर 15 इंच वाला वेरिएंट देखना है वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आया हो तो बेल आइकन पे ऑल। मिलता हूं नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।